आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आकलन हमें इस प्रश्न में करना है, जहां सूर्य के लिए उसका पृष्ठताप 6000 केल्विन है। सूर्य के लिए उसके पृष्ठताप को बोला गया है, तो देखिए क्या होता है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैसें मौजूद होती हैं और वो संलयन के पश्चात हीलियम परमाणु का वहाँ पर निर्माण करती हैं, और निर्माण के समय वो हम संलयन की स्थिति पर बहुत सारी ऊर्जा वहाँ पर विकिरित होती है या ऊर्जा वहाँ से उत्सर्जित होती है, तो उसी औसत तापीय ऊर्जा का आकलन हमें करना है। तो तापीय ऊर्जा का आकलन हम किस प्रकार से कर पाएं, हमें यदि दिया हुआ है हीलियम के लिए, तो देखिए हीलियम परमाणु जो हमारे पास है उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी गैस के रूप में प्रयुक्त करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं एक परमाणु गैस। अब एक परमाणु गैस होते क्या है, एक परमाणु गैस जिनके एक अणु में एक परमाणु ही उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं एक परमाणु गैस। अब एक परमाणु गैस के लिए होंगे उसकी तापीय ऊर्जा का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए तापीय ऊर्जा को या हम समान रूप से उसके लिए माध्य उसकी ऊर्जा जो माध्य संबद्ध ऊर्जा होती है, संबद्ध ऊर्जा किसी गैस के लिए प्रति अणु गैस के लिए, कौन से गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है, संबद्ध ऊर्जा का मान जिसे E से व्यक्त किया जाता है, इसका मान होता है यहाँ पर 3:2 kB/T के रूप में। देखिए सारे पदों को हमें समझना होगा, तो E हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर संबद्ध ऊर्जा को प्रति अणु गैस के संबद्ध ऊर्जा के मान को बता रहा है, और यहाँ पर तीन यहाँ पर उस गैस के लिए उसके एक परमाणु प्रकृति के आधार पर जो स्वतंत्र की कोटि है उसको दर्शा रहा है 3:2 के रूप में। के भी हमें यहाँ पर बता रहा है बोल्ट्जमैन नियतांक। देखिए ये एक नियतांक है और किसके किसके अनुपात का मिलकर बना हुआ है, गैस के लिए गैस से संबंधित उसके सार्वत्रिक गैस नियतांक और यहाँ पर गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या, मतलब कुल एक मोल पे प्रति मोल पर अणुओं की संख्या, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या के अनुपात को केबी मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है 1.38×10^23 जूल प्रति केल्विन के रूप में। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन नियतांक या केबी के मान को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह टी जो हम यहाँ पर हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं परमताप। ठीक है, ये परमताप को प्रस्तुत करता है उस गैस के लिए। अब गैस जो कहाँ पर स्थित है, सूर्य के पृष्ठ पर मौजूद है, सूर्य के पृष्ठ पर मौजूद है, तो उसका तापमान हमें दिया हुआ है कितना, 6000 केल्विन, तो टी को हमने लिख लिया यहाँ पर 6000 केल्विन के रूप में। ठीक है, अब देखिए सभी मानों को हम यहाँ पर रखते हैं, क्या होगा ई का मान, यदि हमें तापीय ऊर्जा जो होती है, देखिए संबद्ध जो ऊर्जा होगी वो तापीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर विकिरित होगी, तो तापीय ऊर्जा या हम इसे बोलें तो कुल तापीय ऊर्जा उस गैस के लिए उसे ई से ही व्यक्त किया जाएगा, देखिए ऊर्जा के रूप में रूपांतरण के आधार पर, इसका मान होगा 3:2, के का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.38×10^23×T का मान हमें कितना दिया है, 6000 केल्विन के रूप में। ठीक है, तो देखिए सभी के मान को रखें, तो यहाँ पर E का मान बनेगा, यहाँ पर 2 कटा, यहाँ पर बनेगा 3, और 3 यदि हमने लिखा तो 9 गुणा हम सीधे लिखते हैं 1.38×10^ यहाँ पर -20 के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये जो आने वाला है वो जूल में आने वाला है, और ई का मान यदि हम निकालें तो ये हमारे पास बनता है 12.42, और यहाँ पर हम गुणा करें तो 10^-20 जूल के रूप में, और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम ई के रूप में यदि देखें तो 1.24×10^-19 जूल के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है, ये हमें बताता है संबद्ध तापीय ऊर्जा के मान को। देखिए यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे हीलियम के लिए पूछा गया है तापीय ऊर्जा के मान को। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।